ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि ब्रिटेन और भारत छोटे कारोबारों को बढ़ावा देने मुक्त व्यापार के ऊर्जावान पैरोकार होंगे। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी वालों पैदा चुनौतियों के नाल नजिठण में दोहां देशों मोहरी दसिया। राव ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के दौरान सालाना यूके इंडिया दिवस में संबोधन करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी दौरान संकट के चोटी के रहने दौरान पैरासीटामोल की दवाई की सप्लाई दगे रूप में भारत की मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने डिजिटल माध्यम राही संबोधन करते हुए कहा कि ब्रिटेन और भारत मुक्त व्यापार के ऊर्जावान पैरोकार होंगे, छोटे कारोबारों को बढ़ावा देंगे, खपतकारों लिविंग की लागत में कटौती करेंगे और भविष्य के रोजगार पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कौमांतरी कोविड-19 प्रतिक्रिया में ब्रिटेन और भारत मोहरी रहे हैं और दोहां देशों के नाल मिलकर G20 की कार्य योजना तैयार की, जिसके तहत दुनिया भर के सब तो कमजोर देशों को $20 करोड़ समर्थन पैकेज दिता गया। राब ने कहा कि ब्रिटेन के विज्ञानियों द्वारा तैयार किया गया भारत में बनिया एक टीका क्लीनिक परीक्षण में सफल रहा तो यह विकासशील देशों के 1 अरब लोगों तक पहुंचेगा। जेकर यह ऑक्सफोर्ड परीक्षण में सफल रहा तो यह विकासशील देशों के 1 अरब लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के भारत के सीरम संस्थान का धन्यवाद। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर खोज और विकास लिए 31.3 करोड़ पाउंड का योगदान दिता है। ब्रिटेन की दवाई कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और भारत के सीरम संस्थान मिलकर टीके पर काम कर रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री राव इस नाल भारत कौमांतरी हफ्ता प्रोग्राम में ब्रिटेन के सीनियर मंत्रियों के एक वफद की अगवाई कर रहे हैं। इसका आयोजन ब्रिटेन स्थित मीडिया इंक समूह ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजीकम टीवी। पग बनने से जिस सिख नौजवान को कॉलेज विचों बाहर कर दिया गया सी उही हुण फ्रांस के शहर बोबीगिनी के डिप्टी मेयर चुने गए हैं। जानकारी के मुताबिक रणजीत सिंह गुराया नाम का यह सिख नौजवान गुरदासपुर के पिंड सेखा का रहने वाला है। उसके डिप्टी मेयर बनने की खबर मिलने के बाद सारे पिंड में खुशी की लहर है। रणजीत सिंह ने सोबन यूनीवर्सिटी तो कानून विषय की पढ़ाई की है और सिक्सा फ्रांस संस्था का प्रधान भी है। दस दिए कि पग बनने से 2004 उन्होंने कॉलेज विचों कढ दिया गया। इस तों बाद भी उन्होंने हौसला नहीं हारिया, जिसके सदका वह फ्रांस के डिप्टी मेयर बने ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजीकम टीवी।